एक बड़ी और अहम खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से। 7 दिसंबर को जिस लड़की को रेप की कोशिश में नाकाम रहने पर हैवानों ने जला दिया था, बीती रात पटना में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। पटना के अपोलो बर्न हॉस्पिटल में 10 दिसंबर से उसका इलाज चल रहा था, लेकिन आपको बता दें क्योंकि लड़की 90% तक झुलस गई थी और उसको बचाया नहीं जा सका। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुजीत झा जुड़ गए। सुजीत, क्या जानकारी है फिलहाल? जानकारी ये है कि कल देर रात को लड़की का निधन हो गया पटना के बर्न हॉस्पिटल में, और उसके बाद से परिजन जो हैं वो मुख्यमंत्री को बुलाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुजफ्फरपुर की पुलिस पर हमको भरोसा नहीं है, वहाँ के SSP पर हमको भरोसा नहीं है। पिछले 3 साल से लड़की प्रताड़ित हो रही थी, उसके साथ छेड़खानी हो रही थी, 5 बार FIR दर्ज कराया गया, लेकिन बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हुई, और जिसका परिणाम ये हुआ कि लड़के ने दुस्साहस करते हुए इस तरह का के काम को अंजाम दिया, जिससे लड़की की मौत हो गई। हालांकि इस मामले में एक लड़का जो आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने, और एक ने सरेंडर किया कोर्ट में, लेकिन इसके बावजूद जो वहां की पुलिस की जो कार्रवाई थी वो काफी असंतोषजनक थी, और इसको लेकर परिजनों में काफी गुस्सा है। उनका कहना है कि पुलिस पर कार्रवाई जानकारी के लिए सुजीत, तो परिवार में बहुत असंतोष है और यहाँ मांग की